अगर देखा जाए तो दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मच्छरों की भारी भरकम आबादी है, लेकिन अब इससे निपटने में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। दरअसल वैज्ञानिकों की एक टीम ने लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मच्छरों की बड़ी आबादी को खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। नेचर बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने एक साथ बड़ी संख्या में मच्छरों की आबादी को खत्म करने में कामयाबी पाई है। ये जीन एडिटिंग जीन ड्राइव के तौर पर भी पहचानी जाती हैं। इसके द्वारा मादा मच्छरों के प्रोडक्शन को ब्लॉक किया जाता है। इस रिसर्च में शामिल इंपीरियल लंदन कॉलेज की एंड्रिया क्रिशांति का कहना है कि हमें लग रहा था कि हम इस दिशा में अभी 5 से 10 साल पीछे हैं, लेकिन अब हमें सबूत मिले हैं। उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हम सही दिशा में हैं। हमने ऐसी टेक्निक की खोज कर ली है जिससे एक बार में ही बड़ी संख्या में मच्छरों की आबादी पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। उम्मीद है कि भविष्य में जीन ड्राइव का वाहक मच्छर मादा मच्छर की प्रजनन क्षमता को खत्म कर देगा। इस तकनीक को खास तौर पर उन मच्छरों के लिए बनाया गया है जो मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एनाफिनीज गैम्बी मच्छर मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में 21 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया में मलेरिया से प्रभावित हुए। इनमें से 4.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।